हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सर्कुलर प्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो देखिए, सर्कुलर प्लेन का अर्थ है वृत्ताकार तल, जो आपका कुछ इस तरीके से एक सर्कल शेप में है, जिसके पास यहाँ पर देखिए आप डायमीटर हैं। तो सर्कल का यहाँ पर डायमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में 60 mm। सर्कुलर प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, यानी एक सर्कुलर प्लेन है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन है वीपी से। वीपी से कितना इंक्लाइन है ये? 45 डिग्री। हुज सेंटर इज 40 mm अबव, इसका सेंटर 40 mm अबव है और 30 mm फ्रंट है वीपी के, यानी वीपी के ये 40 mm अबव है इसका सेंटर और 30 mm है फ्रंट ऑफ वीपी के। तो इसके प्रोजेक्शन बनाइए और शो कीजिए ट्रेसेस, ये आपके पास सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमने एक्स वाई लाइन को ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए एक्स वाई लाइन। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि सर्कुलर प्लेन जो है 40 mm अबव है, किससे? वीपी से। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेंगे वीपी अपॉन में एचपी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको 40 mm अबव जाना है वीपी से, कुछ इस तरीके से। आप देखिए 40 mm आप अबव गए इस प्रकार, और यहाँ पर आप एक पॉइंट को लगा लीजिए। अब यहाँ से आपको कितने का सर्कल बनाना है? 30 mm रेडियस का आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक 30 mm का यहाँ पर आप देखिए, आप क्या करें, एक सर्कल को देखिए आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 30 mm के सर्कल को। यहाँ पर आप देखिए, जो कि 40 mm अबव होगा, जिसका सेंटर किससे? वीपी से। तो यहाँ देखिए आप इस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल के आपको देखिए कितने पार्ट करने हैं, मैं आपको बताऊँ, इसके आप 12 पार्ट कीजिए। कितने? आप इसके 12 पार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से, सबसे पहले मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ, फिर आप 30 के इसमें कितने पार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए कितने के, 30 30 के आप यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है 360 के यदि आपको 12 पार्ट करने हैं तो आपका 30 डिग्री का एंगल आएगा। और इस सर्कल के आप कितने पार्ट करेंगे? 12 पार्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए इस प्रकार से, ये हमने यहाँ पे 30 का मार्क किया, फिर यहाँ पर 60, फिर 90 अपने आप है, फिर यहाँ पर 120, फिर यहाँ पर 30। इस तरीके से इनको आप इस प्रकार मिलाएंगे, देखिए ऐसे इस प्रकार आप इनको मिलाएंगे, देखिए ये देखिए इस प्रकार इनको भी आपको मिलाना है इस प्रकार से, ये देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके 12 पार्ट करेंगे। इसको नाम दे दें यहाँ पे 0, ये वीपी में है इसलिए आपको इसे 1- से नाम देना पड़ेगा। तो 1-2-3-4-5-6- यहाँ पर 7-8-9-10-11-12- इसको आप इस प्रकार नेमिंग दे दीजिए। अब आप देखिए, आप इन सभी प्रोजेक्शंस को एक्स वाई लाइन पर नीचे लेकर आएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आप लेकर आइए इन सभी प्रोजेक्शंस को एक्स वाई लाइन पर आपको लेकर आना है। ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार आप क्या करेंगे, सभी प्रोजेक्शंस को एक्स वाई लाइन पर लेकर आएंगे। ये देखिए ऐसे सभी प्रोजेक्शंस आपको लेकर आने हैं इस प्रकार, यहाँ पर ये देखिए ये एक्स वाई लाइन पर आप सभी प्रोजेक्शंस को नीचे लेकर आ गए। और अब आप देखिए, ये आपने वीपी में सबसे पहले बना लिया, ये ट्रू इसका शेप है। इसके बाद आप देखिए कि जो ये प्लेन है वो 30 mm फ्रंट है वीपी के, तो आपको एचपी में दिखाई देगा। तो यहाँ से आप 30 mm की डिस्टेंस ले लेंगे इस तरीके से ये, और इनको आप नीचे लेकर आएंगे। देखिए ये प्रोजेक्शंस जो हैं यहाँ पर नीचे लेकर आए इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है 30 mm नीचे लाइन। इस तरीके से ये प्रोजेक्शंस को आप नीचे लेकर आएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से आप इन प्रोजेक्शंस को देखिए नीचे लेकर आ गए हैं। ये देखें इस प्रकार, इस तरीके से ये देखिए, ये आप यहाँ पर नीचे लेकर आ गए। अब इनको आप नेम दे देंगे यहाँ पे 1, यहाँ पर आप नेम देंगे 2 और 12, 11 और 3, 4 and 10, 3 and 9, 6 and 8 and 7।
इस तरीके से आपने नेम दे दिया है और इस लाइन को आप डार्क कर लेंगे। ये तो आपने अभी इसका ट्रू शेप बनाया। अब आपको उस कंडीशन में ड्रॉ करना है जब ये सर्कुलर प्लेन 45 डिग्री है वीपी से। तो यदि वीपी से हमें एंगल दिया तो हम एचपी में ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम कितना जाएंगे देखिए 45 डिग्रीज जाएंगे। कितना जाएंगे 45 डिग्री, देखिए देखिए 45 हम यहाँ पर गए। इस प्रकार इसको आप नीचे लेकर आइए, ये देखिए ये 45 डिग्रीज है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ डायमेंशन 45 डिग्री इस प्रकार। और अब देखिए आप इस लेंथ को मेज़र करेंगे, ये लेंथ आपके पास देखिए कितनी है 60। तो 60 ही लेंथ आप यहाँ पर क्या करेंगे कट कर लेंगे इस 45 डिग्री इनक्लाइंड लाइन पर। ये देखिए ये आपने यहाँ पर कट कर ली। और जो ये पॉइंट्स थे 2 और 12, इन पॉइंट्स को यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट आपके आ गया 1 1, इसको हम देंगे 7 1 इस प्रकार से। और ये देखिए डिस्टेंस आपको दी है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आप 6 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मार लेंगे जिसका नाम होगा 2 1 और 12 1 इस प्रकार। ऐसे ही ये देखिए कितनी दूर है यहाँ से 11 दूर है, तो इसको भी आप यहाँ पर मेज़र करें 11 करें। और ये है यहाँ पर कितना 3 1 और 11 1 इस प्रकार आप नेमिंग दें। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 वाली डिस्टेंस है, ये कितनी दूर है 15 या 16 डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पर आप ये डिस्टेंस काटेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप नेम देंगे 4 1 एंड 10 1 इस प्रकार। फिर ये डिस्टेंस देखिए कितनी दूर है, ये आपके पास 15, फिर आप यहाँ से 15 डिस्टेंस दूर जाएंगे इस तरीके से। ये इस पर आप नाम दे देंगे क्या नाम देंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 5 है ये वाला पॉइंट 5, तो आप इसको नाम देंगे 5 1 एंड 9 1। फिर ये डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये लगभग 9 या 10 की दूरी पर है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक और पॉइंट देंगे जो है 6 1 एंड 8 1 इस प्रकार से आपने नेमिंग दे दी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, जो ये सभी प्रोजेक्शंस हैं आप इन सभी प्रोजेक्शंस को क्या करेंगे अब ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे आपको ये सभी प्रोजेक्शंस क्या करने हैं अब ले जाने हैं ऐसे। ये देखिए जी देखिए इस प्रकार आप अब ले गए इन सभी प्रोजेक्शंस को। और ये जो सभी प्रोजेक्शंस हैं इनको भी आपको यहाँ पर लेकर आना है। देखिए ऐसे इन सभी प्रोजेक्शंस को भी आपको यहाँ पर इस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार। ये देखिए ऐसे इनको आगे बढ़ाएंगे इन प्रोजेक्शंस को। ये देखिए हमने इनको आगे बढ़ाया। और ये सेम यहाँ पर आपके प्रोजेक्शंस हैं इनको भी आप ऊपर ले जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप इन सभी प्रोजेक्शंस को देखिए ऊपर ले जाइए ऐसे। सभी प्रोजेक्शंस को आप हल्की पेंसिल से अब ले जाएं। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए आप इन सभी प्रोजेक्शंस को ऊपर ले गए हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये लाइन आपकी है 4 1 और 10 1। और यहाँ से लाइन आप देखिए 4, यहाँ पे मैं लिखूँगा देखिए इस पॉइंट को नाम दूंगा। देखिए लाइन यहाँ से 4 की आ रही है, तो यहाँ पे नाम दूंगा इसको 4 1 डैश। और अबव देखिए इसी पॉइंट में 10 भी है, तो इसको नाम दूंगा यहाँ पर 10 1 डैश। इसी प्रकार देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसमें 6 और 8 है। देखिए 6 यहाँ पर आएगा पॉइंट 6, तो इसको आप नाम देंगे 6 1 डैश। और यहाँ पर ये पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा देखिए, तो इसको यहाँ पर नेम देंगे 8 1 डैश। क्या देंगे 8 1 डैश। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 3 और 5 आप देखिए 3 एंड 5 आप यहाँ पर देखेंगे, तो 3 आपको इस वाले पे दिखेगा तो 3 1 डैश, और यहाँ पर आपको दिखेगा तो ये 5 1 डैश। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए ये होगा 7 1 डैश, और यहाँ पर ये 1 1 डैश। यहाँ पर ये होगा इस तरीके से देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपके पास होगा 12 1 डैश, ये 11 1 डैश, क्योंकि इधर से भी आ रहा है यहाँ नीचे से भी जा रहा है, इन प्रोजेक्शंस को आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से। आगे 9 1 डैश। अब ये जितने आपके पास पॉइंट आए हैं आपको ये सभी पॉइंट्स को इस तरीके से फ्री हैंड आप इनको ज्वाइन करेंगे। देखिए इस प्रकार आप इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे इन सभी पॉइंट्स को देखिए जोड़ेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर बन गई जो रिड्यूस शेप है, वो यहाँ पर आपकी
ड्रॉ हो गई है, ये रिड्यूस शेप, तो यही आपका बनेगा यहाँ पर ड्रॉ, क्योंकि इसमें आपको जो प्लेन है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, फिर वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर शो होगा। तो फर्स्ट स्टेज आपने ये ड्रॉ किया, सेकंड स्टेज में आपने यहाँ पे इसकी रिड्यूस शेप जो है वो ड्रॉ कर दी। देखिए रिड्यूस्ड शेप इस प्रकार आपने ड्रॉ कर दी, और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए दिखाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से 30 नीचे है, तो इस डिस्टेंस को भी आप यहाँ पर डायमेंशनिंग में शो करेंगे, ये डिस्टेंस क्या है आपकी 30 डिस्टेंस है। इस तरीके से इसकी जो सेंटर है वो आपके पास कितना अबव है 40, तो वो डिस्टेंस भी आप यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप 40 दिखा देंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40, इस प्रकार हम यहाँ पर डिस्टेंस भी शो कर देंगे। तो इस प्रकार आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सर्कल का, जो कि रिलेटेड है बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इस सवाल में आपने देखा कि हमारा सर्कुलर प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रू शेप बनाएंगे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, फिर हमने इसको इंक्लाइंड किया, और फिर आपने इसकी रिड्यूस शेप को ड्रॉ किया। इसमें आपको ट्रेसेस भी दिखाने हैं, तो देखिए जो एच पी में इतना ट्रेस बना, ये जो एच पी में आपका ये जो ट्रेस है यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको आप एच टी नाम देंगे, और जो वी टी में ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपकी वी टी है, क्या है डिस्टेंस, ये वी टी है, क्या डिस्टेंस है ये वी टी, इसको आप कोई नेमिंग दे देंगे पी क्यू, इस प्रकार से डैश में आप नेमिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किस में है आपका बीपी में है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको पे लिख देंगे वी टी, ये आपका वर्टिकल ट्रेस हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। तो इसी प्रकार से आपका ये सवाल यहीं पर एंड हुआ। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, बाकी केसेस की भी आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।